फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू क्रिकेट प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? सो उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022 के 27 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 3 जनवरी को। इंडिया टाइम के अनुसार 1:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं, लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। एक टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो जहां 5 मैच 3 मैच लॉस और 2 मैच विन करके आ रही हुई। दूसरी टीम मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करें तो 5 मैच 4 मैच लॉस है, 1 मैच विन करके आ रही। तो गाइस, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टीम फॉर्म में मेलबर्न स्टार आगे चल रही है। वहीं आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो पहली टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो जहां 7 मैच जीत के आ रही है, तो मेलबर्न रेनेगेड्स 3 मैच जीत के आ रही है। तो गाइस, हेड टू हेड में भी मेलबर्न स्टार आगे चल रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज देखें तो मेलबर्न स्टार का जहां 50% है, तो ही मेलबर्न रेनेगेड्स का 30% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 162 है, तो ही मेलबर्न रेनेगेड्स का 145 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 273 है, तो ही मेलबर्न रेनेगेड्स का 176 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 122 है, तो वही मेलबर्न रेनेगेड्स का 114 है। तो ये दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो क्लाउडी रहेगी, 17.8 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 74% रहेगी, वहीं 46% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं पिच की ओर। तो आज के मैच में पिच कैसा होने वाला है, कैसा मैच होगा, तो इस पिच पे देखें तो फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोरिंग 160 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करना पसंद करेगी इस पिच पे। अगर इस पिच पे देखें तो टोटल 62 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो इस पिच पे ज़्यादातर बॉलिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, वहीं बैटिंग करने वाली टीम को यहाँ पर कम सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे ओवर बीतते जाएंगे वैसे वैसे इस पिच पर रन लगना बहुत कम हो जाएंगे। तो इस पिच पर अधिकतर मैच चेस हुई है, काफ़ी अच्छी पिच है। इस पिच पर जितने भी मैच अभी तक खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी अच्छे लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों से मैच काफ़ी ज़बरदस्त बनी है, और जैकपॉट की भी संभावना इस पिच पर बन सकती है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। स्टार्टिंग से देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही थी, जाके रिसेंटली में देखें तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी टीम मेलबर्न रेनेगेड की बात करें तो वही हाल रहा जो पिछले सीजन का था। इस सीजन में मेलबर्न रेनेगेड देखें तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ चली। वहीं एक टीम प्लेयर में देखें तो एक प्लेयर जो एंड्रे रसल है, तो इस कुछ मैच से एंड्रे रसल नहीं खेल रहे हैं, जिसके वजह से यह पिच काफ़ी कमज़ोर हो गई है। वहीं पिछली मैच देखें तो सारा मैच अपना हार के आ रही है काफ़ी बुरी तरह से। तो गाइस, यहाँ पे मेलबर्न स्टार है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कल का मैच जो भी होगा काफ़ी ज़बरदस्त होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। दोनों के बीच में मैच काफ़ी टेस्टिंग देखने को मिल सकता है, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम मेलबर्न स्टार के की प्लेयर की बात करें तो मार्कस स्टोनिस, निक लैरकिन, लुक कोट, जॉय क्लर्क। वहीं दूसरी टीम मेलबर्न रेनेगेड्स के की प्लेयर की बात करें तो एरन फिंच, शॉन मार्श, मुजीबुर रहमान, विल सुदरलैंड। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर्स जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मेलबर्न स्टार्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।